अच्छा आप लोग रेडी है ना? यस। आवाज आप लोगों को अच्छा रिकॉर्ड हो जाए। चलिए रोल साउंड एक्शन। सबसे पहले आप सबका स्वागत वेब सीरीज आ रही है। मुझे लगता है कि क्रिएटर में वेब सीरीज आप पहले लोग हैं जो ला रहे हैं इस तरीके से। मैंने देखा, काफी अच्छा लगा। सबसे पहले स्वागत सभी लोगों का। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? एक काम कीजिए, आप माइक में बोल दीजिए, अच्छा से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्या अच्छा रहेगा? अच्छे प्रोफेशनली है ये। क्या हम आपका क्वेश्चन ही नहीं पता चल पाएगा? जो जिन लोगों को क्वेश्चन करना है वो माइक में बोलिए। हेलो, इको करेगा ना जो इस तुम बोलेगा तो। चलिए चलिए आ जाएगा, आ जाएगा। एक बार चेक भी कर नहीं, यहाँ पे आपका रिकॉर्ड अच्छा हो रहा है। वो हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक चलिए ठीक। चलिए बिना माइक का तो नहीं। हाँ, वो ज्यादा बिना माइक का ज्यादा अच्छा। चलिए ठीक, बिना माइक नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल। उन लोगों का बोलिएगा तो दोनों लोग माइक में बोले, नहीं तो कोई नहीं। हाँ, क्योंकि इनको रिकॉर्ड करके पब्लिश करना है। बिना माइक का भी आज बिना माइक का ज्यादा अच्छा है। अरे सर, हम क्रिएटर हैं, हमको थोड़ा सा क्या टेंशन ज्यादा है यार, क्वालिटी नहीं आएगा क्या? चलिए डन। अब कुछ भी तो परोसना नहीं है क्या? हां ठीक है, ऑफ कर दो माइक। क्या करें, तो छोड़ दे, ये माइक छोड़ दे। ओके ओके, आई आई जो पीछे से बोलेंगे उनको माइक कर देंगे। ठीक है, ओके। चलिए आइए। रेडी हैं सब लोग? चलिए, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, टाइटल है मोटका के ब्याह। क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, एक बिहार में हम लोग कोशिश कर रहे हैं वेब सीरीज लाने का, क्रिएटर में ऐसे तो आया है अदर प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम हम लोग ला रहे हैं बिहार में। बिहार से आउट ऑफ बिहार तो बहुत सारे क्रिएटर हैं जो वेब सीरीज लाए हैं, जैसे भुवन बाम और सारे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश किए हैं और हम चाहेंगे कि प्यार दुलार मिले पब्लिक का। ये पहला कोशिश है, भविष्य में और कुछ करने वाले हैं। कॉमेडी से आप लोग का ये वेब सीरीज तक का सफ़र जो रहा है, वो सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या कि पहले आप लोग कॉमेडी वीडियो जो है पब्लिश करते थे, उसके बाद अब आप लोग वेब सीरीज ला रहे हैं मोटका के बिया, इसके बारे में ये जो सफ़र रहा, कैसे कैसे सफ़र रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सफ़र अच्छा रहा, जो भी है हर दिन कुछ सीखने को मिलता है। और हम लोग सोचे कि कब तक वो एक ही टाइप का कॉमेडी देते आए, बिहार में हर क्रिएटर एक ही टाइप का दे रहे हैं, वही रोज़ घिसा पिटा चीज़ आते, मतलब बहुत पूर्वज से आते जा रहा है। तो हम सोचे कि कुछ अलग करते हैं, कुछ ऑडियंस को अलग देते हैं, और इसी कारण से हम वेब सीरीज पर हम लोगों का प्लान बना और शूट किए, आप लोगों के पीछे आए। मोटका का ब्याह काहे करवा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे नॉर्मल कोई रहता, आप ये चीज़ है यूनिकपन के लिए कि बहुत लोगों को ये चीज़ आप देखिए, आप ही को मोटका का ब्याह देखे सुने हंसी आया गुदगुदाएं, आपके माइंड में ये चीज़ छप गया होगा। यही चीज़ यही जगह पे हम विवाह रखते, आप नॉर्मली देखकर निकल जाते, तो ये चीज़ टीम वर्क के कारण, ये सब ये यूनिकपन लाने के लिए हम ये नाम को सिलेक्ट किया गया। जितने लोगों ने भी इसमें एक्ट किया है, काइंडली उन लोगों से इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि ये चंदन हुए, जो इन्हीं का शादी है, इन्हीं के ऊपर सीरीज। हाँ हाँ। और ये रोशन है जो कि डायरेक्टिंग पूरा संभाले हैं ये। श्रवण जी अच्छे आर्टिस्ट के तौर पे, उसमें मौसा जी हैं वो इसमें विलेन है, माखन वाटो। और ये अर्पना जी दुल्हन है, और ये हमारे इसमें रामरूप चाय वो है कैरेक्टर, वो गांव के थोड़ा सा गुस्से वाले चाचा हैं, उनका कैरेक्टर प्ले किए हैं। और ये हमारी शिवांगी जी हैं जो हमारी गर्लफ्रेंड के किरदार में हैं, ये हाँ चंदन के मम्मी के किरदार में ये शिवांगी सिंह जी हैं, और पीहू जी हैं जो दुल्हन के बहन के किरदार में हैं,
और वो है और वो मामा के किरदार में है और ये मामी के किरदार में। शादी में आप लाइन किसे मार रहे हैं ये बताइए। देखिए ये सीरीज में, ये सीरीज जो आएगा 9 तारीख से रिलीज हो रहा है बाइक क्रिएशन पे, तो इसमें ये चीज़ दिखाया गया है जब आप किसी के शादी विवाह में जाते हैं, आप भी जितने भी हैं जाते हैं, तो वहाँ पर साली को देख कर मन डोलता होगा, आप लोग डोलता होगा जितने नहीं छुपाने वाली बात। हाँ हाँ, तो वो चीज़ हम देखे हुए हैं, तो उस चीज़ को हम एक पर्दे पर लाने का कोशिश किए हैं और इसमें जितने भी पार्ट है, जितने भी सीन है, वो आपको लगेगा अगर देखिएगा ना आप, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ हम कर चुके हैं, ये मेरे रियल जिंदगी से टच करता है। तो वह सीरीज परिवार के साथ बैठ कर, हाँ हाँ एकदम परिवार के साथ बैठ कर देख सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। शिवांगी जी, इस वेब सीरीज में आप अमित जी का गर्लफ्रेंड बने हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा गर्लफ्रेंड बनकर? जी सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छा है, और वल्गर्टी गर्लफ्रेंड के नाम सुनते ही आप लोग के दिमाग में पहले तो ये आया होगा कि वल्गर्टी होगा, तो वल्गर्टी 1% नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में थोड़ा बहुत जो नोक झोंक होता है वही है, बाकी आप सब लोग देखिए। मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बहुत ही अच्छा सीरीज़ है, आप लोग देखेंगे फुल मज़ा मिलेगा आप लोगों को। चलिए चंदन जी से सवाल रहेगा, चंदन जी बड़ी मायूस लग रहे हैं इतने कैमरे देखकर, शायद एक दो कैमरे पर काम करते होंगे क्योंकि आप मीडिया के सामने, जो आप यूज करते हैं वर्ड उसमें, जो आपका शॉर्ट्स वायरल हुआ है, जो आपका पहले कॉमेडी आता था, क्या उससे हटके है? हाँ उससे तो हटके है, बहुत हटके है। आप दोनों की जोड़ी कैसे बनी है? बड़ी कमाल की जोड़ी लगती है, मोटका इसका बड़ी यूनिक है, पता नहीं कैसे बन गया। घर से कितना दूर है आपको? अच्छा, तो मेरा तो मेरा एक ही है कि ये साली जी एगो एक फोटो हमरो साथ खिंचवा लीजिए, और कैरेक्टर में है हमारा नाम राजा है, और हमारा नाम राजा है, हम राजा की तरह जीना चाहते। साली कौन बने रहे? साली है यहाँ की नहीं? हाँ ये है। आपका कैसा रिएक्शन आता जब बोले थे साली जी एक फोटो खिंचवा लीजिए? ये हमको इग्नोर करती है, एक छिछोरापन जैसे। नॉर्मली शादी में लोग छिछोरे छिछोरे लोगों को इग्नोर करते, वैसे ही मैंने इनको देख के इग्नोर किया। अच्छा, फिर आगे कहाँ तक बात करें? ठीक है, उसमें पार्ट किए हुए हैं, दोनों को जो ला